साथियों, बात शुरू करने से पहले एक बात जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आज बात करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस झेलना आज बहुत यू माइट फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्पीकिंग अप। बहुत सारी धमकियां आए दिन आती रहती हैं। हमारे साथी कन्हैया का अभी आने वाले दिनों में बेल पिटीशन कैंसिल करने का भी एक पिटीशन डाला गया है कि आप बेल कैंसिल कर दीजिए। और एक चीज हमको बार बार बोला जा रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे तो आपको जेलों के पीछे भर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। मैं बात एक शेर से शुरू करना चाहूंगा हबीब जालिब की, इन्हीं धमकियों को एड्रेस करते हुए। क्यों डराते हो जिंदो की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। साथियों, आज हम लोग तीन चार लोग, शायद बहुत लोग जानते नहीं थे, अगर हमको जेल में बंद नहीं किया जाता तो आप सारे लोग हमको नहीं जानते, लेकिन आज जेल में डाल के उन लोगों ने हम लोगों को जेल में डाला, हम लोगों को अटैक किया, इसलिए उस वजह से हम लोगों की जान पहचान बढ़ी। लेकिन एक बहुत बड़ी जेल तो हमारा देश बन गया है। और जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं एक क्लीशे की तरह, एक रिटोरिक की तरह नहीं बोल रहा, एक्चुअली में जो जेल हमारे यहाँ के फैक्ट्रीज, यहाँ के जंगल, यहाँ के फील्ड बने हुए थे, आज हमारे विश्वविद्यालयों को जेल बना दिया गया है। दो दिन नहीं हुए थे हमको आके, और मेरी साथी वहां हैदराबाद के साथी थे, उनसे बात हो रही थी, एक साथी ने फोन करके मुझे को बहुत डांटा जिस दिन बेल मिला। ये बोला कि तुम अपने आप को यू आर नॉट केयरफुल, तुम देखते नहीं हो, आगे आगे चले जाते हो, इसलिए जेल में बंद कर दिया। दो दिन बाद वही साथी को जेल में पकड़ कर ले गए वहां की पुलिस, तो वो पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन उसके बाद वो यूनिवर्सिटी को भी एक जेल बना दिया है। आज वहां के साथी बोल रहे थे कि वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, वो हैदराबाद सेंट्रल जेल बन गया है। और यही कहीं ना कहीं हमारा हर एक विश्वविद्यालय को जेल में तब्दील कर देना चाहते हैं, और विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जेलों में बंद कर देना चाहते हैं। साथियों, जितना कुछ जेएनयू में हुआ, ये जो पूरा का पूरा जेएनयू एपिसोड था, अगर एक्चुअली में आप उसको कोर में जाके देखें, दिस एंटायर एपिसोड वॉज नॉट मेंट टू हार्म, दिस एंटायर एपिसोड वॉज मेंट टू स्केयर, दिस वॉज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। 9 फरवरी का कोई इवेंट उसका कारण नहीं है, हमारे गुनाह 9 फरवरी के पुराने गुनाह हैं, हमारे गुनाह कई साल पुराने गुनाह हैं, हमारे गुनाह ये गुनाह है कि इस सरकार को हमने हमेशा सड़कों पर उतर के कैंपस के अंदर कैंपस के बाहर चुनौती दी है। हमारा गुनाह ये है कि हमने इस कैंपस के अंदर एक डिप्राइव लोगों को, बैकवर्ड इलाकों से आने वाले लोगों को, अलग अलग ऑपरेस कास्ट से आने वाले लोगों को, रिलीजियस माइनॉरिटी से आने वाले लोगों को जगह दी है। हमने लड़के अपने एडमिशन पॉलिसी को इंक्लूसिव बनाया है, हमने निजीकरण का सामना किया है, और हमने आरएसएस की विचारधारा को कन्फ्रंट किया है। इस गुनाह के लिए हमारे ऊपर ये अटैक किया गया। और अब इस अटैक में आप 10 फरवरी के बाद जितना पूरा देखें, जो मीडिया का एक रवैया रहा, अलग अलग जाके मीडिया ट्रायल किया गया, वहां हम कुछ लोगों की शक्ल आगे करके ऐसे गोल 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 करके 10-15 दिन तक दिखाई जा रही थी, ये मास्टरमाइंड है, ये मास्टरमाइंड है, ये मास्टरमाइंड है। उसके बाद रोज आप देखेंगे तो जो हमारे जेएनयू का नॉर्थ गेट है, उसके बाहर कुछ बजरंग दल के लोग, कोई गौरव रक्षा कमेटी के लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं, कॉमरेड कन्हैया को पटियाला कोर्ट में अटैक किया जाता है, और ये हर चीज, और जो कोई खड़ा होता है हम लोगों के साथ, उन सबको धमकियां मिलती हैं। मेरी 12 साल की बहन है, शुरुआत में उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, अंत तक वो सब कुछ समझ गई, उसको शुरुआत में ही धमकियां देनी शुरू कर दी थी कि अगर तुम अपने भाई के बारे में बोलोगे तो तुम्हारे भाई के साथ तुमको भी मार दिया जाएगा। आज सबसे जरूरी है, आज अगर हम एक बात बार बार बोलते हैं कि फासिज्म इट ब्रीड्स इन फेयर, एंड द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बिगेस्ट थिंग दैट वी नीड टू कन्फ्रंट टूडे इज टू ओवरकम आवर फेयर्स, एंड इफ वी ओवरकम आवर फेयर्स, जो रिचा सिंह ने बोला कि डर के आगे जीत है और जीत के, संघर्ष के आगे जीत है, आज हमको संघर्ष में उतरने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे लोग अपने इस डर को ओवरकम करें। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, और अगर हम कुछ इस जेएनयू के अटैक को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उस डर को ओवरकम करना बहुत आसान है। एक बात पूछने वाली बात है, व्हाट हैपेंड इन जेएनयू, इट इज नॉट द स्टेट ऑफ एक्सेप्शन इन आवर कंट्री टुडे, इट इज द स्टेट ऑफ रूल। द पार्ट द अटैक ऑन द यूनिवर्सिटीज इज पार्ट ऑफ अ लार्जर अटैक ऑन द एंटायर सोसाइटी। जब जेएनयू में अटैक हुआ, हम लोग तो जेल के अंदर थे, उसके बाद उससे पहले हाइडिंग में थे कुछ दिन, वापस आके जितने वहां नेशनलिज्म लेक्चर्स हुए, एक एक करके सारे लेक्चर्स को देख रहे थे। पी साईनाथ ने एक बात बोली थी कि जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जेएनयू में पहुंची 2016 में, एनसीआर इलाके में वो 5 या 6 साल पहले ही पहुंच गई थी। ये जो एनसीआर का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें वो 5-6 साल पहले ही पहुंच गई थी। शायद जेएनयू में जो हमला हुआ, कुछ लोगों को उठाया गया, अरेस्ट किया, कुछ लोगों को सेडिशन बताया, सेडिशन के धारा के अंदर बुक किया गया, जेल के अंदर रखा गया, इस बात का मीडिया में बहुत चर्चा हुआ। उन्होंने भी हम पे एहसान नहीं किया, हमको विलेनाइज करने के लिए चर्चा करी, वो बात अलग है, वो मामला पलट गया कुछ दिनों बाद। लेकिन जब 150 मजदूर मारुति के, उनको जेल के अंदर बंद किया गया था और वो ज्यादातर लोग आज भी बंद है, तो इसमें मीडिया पर कोई बात नहीं कही गई थी। जब बीजापुर में 2012 में 17 आदिवासियों को मार दिया गया था, मीडिया में उसको बहुत चर्चा नहीं हुई थी। जब मालेगांव से लोग छूटकर आए थे तो उस पर मीडिया पर चर्चा नहीं हुई थी।
जब हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस वो मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन ये बात समझने की बहुत सारी जरूरत है कि ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। और अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में अपने इस अटैक को देखें तो हमारे प्रतिरोध की आवाजों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी है हम उसको और अच्छी तरीके से लेके देखेंगे और किस तरफ उस प्रतिरोध को लेके जाना है। साथियों, सिर्फ पिछले 2 साल से नहीं, पिछले ऑलमोस्ट 70 साल से, 47 से हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। और हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं दैट टू एग्जिस्ट इज टू रेजिस्ट। अगर हम प्रतिरोध करना छोड़ दें तो शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और आज के समय में उस प्रतिरोध को हम किस तरीके से देखें, क्या एक रेजीम है जिस रेजीम को हमको बदल देना और हमारा प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। अगर इससे हटके अगर हम कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अगर हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो वो प्रतिरोध हमारे लिए बहुत अलग मायने रखेगा और वो प्रतिरोध एक सच्चा मायने रखेगा। अगर हम चारों तरफ देखते हैं, एक बात प्रोफेसर अरविंद मुखिया ने बोली कि आज ये सरकार बहुत ही एंटी इंटेलेक्चुअल सरकार है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, बहुत ही एंटी इंटेलेक्चुअल सरकार है। एक सवाल हम सारे इंटेलेक्चुअल्स को, हम सारे एकेडमिक्स को, हम सारे एक्टिविस्ट को, हम सारे स्टूडेंट्स को अपने आप से पूछना है, कहीं हम लोग इंटेलेक्चुअल्स होके, एकेडमिक्स होके, स्टूडेंट्स होके कहीं बाकी समाज से तो नहीं कट जा रहे हैं? कहीं हमारी यूनिवर्सिटीज कोई आइलैंड्स तो नहीं बन जा रही हैं? मैं और अनिर्वाण जब जेल में थे तो हम लोग रोज 3 घंटा आपस में बात कर पाते थे, मिलते थे और हम लोग बहुत बात करते थे। मैंने बोला अनिर्वाण यार, कहीं ना कहीं संघ परिवार भी मार्क्सिस्ट हो गया है, क्योंकि इस पूरे दौरान उसने जिस तरीके से एनालाइज किया और जिस तरीके से अटैक किया है, एक्चुअली देयर मोर मार्क्सिस्ट देन अस, दे हैव डन अ वंडरफुल क्लास एनालिसिस। हम लोग राइट टू डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस सब की बात करते रहते हैं, लेकिन आप जेएनयू का गेट से पार करके मुरिका ही जाइए, वहां राइट टू डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलेंगे, आप जाके तो आपको 2 थप्पड़ मारे बोलेंगे देशद्रोही, वही हमारे लिए मैटर करता है। और ये चीज अगर हम इसको समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस प्रतिरोध को किस तरफ से लेके जाना है और किस तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज करना है उसको समझ पाएंगे। आज प्रतिरोध करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पीछे लोग हों। कहीं ना कहीं उसकी कमी आज हमको सबसे ज्यादा महसूस होने को मिल रही है। हम कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एकेडमिक्स अगर उन लोगों से नहीं जुड़ेंगे और वो लोग अगर हमारे दुश्मन की तरफ चले जाए तो हमारे लिए सबसे बुरा वही होगा। जो बात मैं अनिर्वाण से बोल रहा था, मैं बोल रहा था अगर आप उस क्लास एनालिसिस में 2 लोगों को देखें, जो 2 क्लासेस एक्चुअल में हमारे साथ होनी चाहिए, एक लुम्पिन प्रोलेटेरियत और दूसरा एक फ्रस्ट्रेटेड मिडिल क्लास पेटी बुर्जुआजी जो अपने जॉब्स ना होने के कारण बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, वो सारे लोग उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। कहीं ना कहीं उनको हमें अपनी तरफ लेकर आना है। आज इसीलिए जिम्मेदारी है कि हम अगर अपनी एकता प्रतिरोध की सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि समाज की जनवादीकरण की बात करके करेंगे तो वो एकता बहुत ही मीनिंगफुल एकता होगी। आज आप देखिए अलग अलग, आज अगर नौकरियां नहीं है उसका सीधा रिलेशन न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स से है। अगर हम उस न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे, तो हो सकता है वही फ्रस्ट्रेटेड यूथ जिनको जॉब नहीं है शायद वो आरएसएस के साथ चले जाए। अगर हम पेट्रियार्की को, पितृसत्ता को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तो हो सकता है बहुत सारे गरीब लोग वो लव जिहाद की बोगी में अब जिनके एंग्जाइटी रहती है अपनी बेटी को लेकर, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ जाकर खड़ा हो जाए। आज इन सारे एस्पेक्ट्स पे अगर हम समाज के जनवादीकरण के लिए लड़ेंगे तो हम आरएसएस को अपने आप ही आइसोलेट करेंगे, और बहुत जरूरी है हम उसको आइसोलेट करें। एक बात मैं और बोल के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि साथियों, आज की लड़ाई जो विश्वविद्यालयों की, ऋचा सिंह ने बोली कि उन्होंने आज सारे यूनिवर्सिटीज को एक एक कर दिया है, एक यूनिटी लेकर आ गए हैं। एक बात हमको यूनिवर्सिटीज में बहुत समझने की बात है जो मैं पहले बोल रहा था कि दिस कैन नॉट बी अ फाइट टू प्रोटेक्ट सम ऑफ अवर प्रिविलेज्ड स्पेसेस, दिस एक्चुअली हैज टू बी अ फाइट वेयर वी स्टैंड विद द अंडर प्रिविलेज्ड, बिकॉज एज आई सेड द अटैक ऑन द यूनिवर्सिटीज इज पार्ट ऑफ अ वाइडर अटैक ऑन द एंटायर सोसाइटी। आई विल एंड बाय रेफरिंग टू वन रीजन ऑफ दिस कंट्री। बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजों पर बात रखी, मैं एक चीज पर बात रखूंगा। आज बस्तर में जो अटैक है वो एक बहुत ही भयानक अटैक है। जेएनयू में जो हुआ उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जो सोनी सोरी के साथ हुआ, जो जगदलपुर लीग एलीट ग्रुप के साथ जो हुआ, जो मालिनी सुब्रमण्यम के साथ हुआ और कई सारे सैकड़ों जर्नलिस्ट के साथ हुआ, 4-5 जर्नलिस्ट जेल के अंदर हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट को धमकाया जा रहा है, वो एक प्रिपरेशन है। एक जंग जो हमारे देश की सरकार ने उस इलाके में छेड़ी थी, आज वो जंग और ज्यादा गोरी होती जा रही है। हम कोई समझना चाहिए, जनवरी में, दिसंबर में बहुत सारे केसेस आए कि जहां रेप ऑफ आदिवासी वुमेन बाय आर्म फोर्सेस के, वो सारे इंस्टेंसेस सामने आए, वो सारे लोग इन लोगों ने ही वो बाहर लेकर आए थे। अब नहीं चाहते जब वो अटैक को इंटेंसिफाई कर रहे हैं तो सारे लोग जो हमारे पॉसिबल ट्रबल मेकर्स हो सकते हैं, सारे लोग इस बात को बाहर ले जा सकते हैं, उन सबको बाहर कर दिया जाए। मैं जानता हूं हम सारे लोगों के बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये पूरा बस्तर में सेंट्रल इंडिया में अनफोल्ड कर रहा है उस पर हम किस तरीके से देखते हैं, और वो हमारे डिफरेंसेस होने चाहिए, वो हमारे डिफरेंसेस हम लोगों को एनरिच करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करेंगे। लेकिन एक बात पे हम लोग एकता बना सकते हैं कि जो बस्तर में जंग है, जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है, उसको बंद किया जाए। आज बहुत जरूरी है अगर हम ये सारी सॉलिडैरिटीज बनाएं, और इस सॉलिडैरिटी का सबसे बड़ा सिंबल अगर हमारे सामने कोई है
शायद एक डाइग्रेशन लगे लेकिन उसके बावजूद मैं बोलूंगा वो रोहित वेमुला है, क्योंकि रोहित वेमुला व्हेन ही राइट्स दैट आई वाज रिड्यूस्ड टू माय इमीडिएट आइडेंटिटी एंड ही रेबेल्स अगेंस्ट दैट थ्रू हिज डेथ, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. रोहित वेमुला का सुसाइड, बहुत सारे सैकड़ों सुसाइड दलित स्टूडेंट्स ने किए, लेकिन रोहित वेमुला का सुसाइड एक तरीके से अलग भी था, बिकॉज ही वॉज नॉट एनी अदर दलित स्टूडेंट हु वॉज हैरेस्ड एंड हु वेंट इनटू डिप्रेशन हु कमिटेड सुसाइड. ही वॉज अ फाइटर, ही वॉज एन एक्टिविस्ट, ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज राइट्स एंड ही वॉज फाइटिंग नॉट फॉर ओनली द राइट्स ऑफ हिज कम्युनिटी बट ही वॉज स्टैंडिंग विद अदर कम्युनिटीज दैट आर फेसिंग पर्सिक्यूशन. एज अ दलित ही वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग विद द मुस्लिम्स, एज अ दलित ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन मुजफ्फरनगर, एज अ दलित ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कैपिटल पनिशमेंट मेटेड आउट याकूब मेमन, एंड वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम. एज डिफरेंट पीपल वी नीड टू कम आउट ऑफ अवर इमीडिएट आइडेंटिटी, वी नीड टू कम आउट ऑफ अवर इमीडिएट लोकेशंस एंड वी नीड टू बिल्ड दीज सॉलिडारिटीज. अगर हम इन सारी सॉलिडारिटीज को बनाए, आज स्टूडेंट्स मूवमेंट के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूं और ये बात हम लोग रोज जेएनयू में डिस्कस करते रहते हैं कि आज इन सारे सॉलिडारिटीज को एक करना, चाहे वो बस्तर में हो, चाहे वो होंडा वर्कर्स के साथ हो, चाहे कोई भी इलाके में किसी भी किस्म का शोषण हो, अगर हम इन सबको यूनाइट करेंगे जब ही हम इस फाशीवाद के सोशल बेसिस को खत्म करवा पाएंगे. सिर्फ और सिर्फ इस समय बीजेपी की सरकार को ही नहीं बल्कि हो सकता है बीजेपी की सरकार चले जाए, लेकिन अगर हम उस सोशल बेसिस को खत्म नहीं करेंगे तो हम फाशीवाद को सही तरीके से हरा नहीं सकते. आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस सारी लड़ाइयों के साथ हम उस फाशीवाद को कन्फर्ट करें, हराएं. शुक्रिया इंकलाब.